तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ जी बताओ। ये जो तुम जमीन देख रहे हो ना, ये सारी मेरी नहीं है। बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे थे बेवकूफ? कुछ नहीं, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए। ये क्या कर रहे थे? छोड़ बेवकूफ, तुमने पूरे 5000 मरवा दिए। उसके पास 5000 थे। चल तुझे मैं काजी के पास ले चलता हूँ, वही तुम्हें कोई नसीहत करेगा। चल चल। शुक्र है काजी रास्ते में मिल गए। चलो चलो। देखो काजी साहब, ये मेरा दोस्त है, सारा दिन गुनाह करता रहता है और इसे कोई पछतावा भी नहीं है अपने गुनाह पर। देखो बेटा, आपको अभी अपने गुनाहों का एहसास नहीं होगा। मैं आपको एक डब्बा देता हूँ, जब भी आपसे कोई गलती हो जाए ना, तो इसमें 1 रुपया डाल देना और फाड़ के बाद चेक करना कि इसमें कितने रुपए हैं, तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि आपने कितनी गलतियाँ की हैं। ओके बच्चे, तो अब मैं चलता हूँ। रुको मौल साहब। देखो कल साहब, मुझे एक बात बताओ। आपने मेरे ख्याल में ठंडे पानी से वजू किया होगा। हाँ, किया है। क्यों? इसलिए आपके दिमाग में ठंडा पानी चला गया। आप कहना क्या चाहते हो मौल साहब? असल में आप चपले मार रहे हो। अबे रुक। क्या भाई, तुझे रुकने को जो बोला। पुष्पा साला झुकेगा नहीं। Oh no! ये दोस्त है के दुश्मन। इसने तो काजी को भी नहीं छोड़ा, ये कभी नहीं सुधरेगा। चलो काजी ने बोला था, देखते हैं इसका भी ड्रामा क्या बोलता है। रे चल। अबे नहीं। अबे रुक, बात सुन मेरी। अबे चल, मेरा गन्ना दो। ले ले, चुपा चूस ले गन्ना। तो चाय पुष्पा सारा मरेगा किसी का। किसी के आगे मरेगा नहीं। भैया भैया, ये गन्ना चीर के मुझे मार रहा है। जे पता तो है पुष्पा चोर है। मेरा फसल कहाँ है? इधर है, इधर। मेरा भाई किधर है? पुष्पा किसी को छोड़ता नहीं, जमीन चाट रहा होगा। हाँ। अबे ये मुझे बहुत ताकतवर लगता है। पुष्पा तू निकल इधर से, मैं तुझे तो मार देगा। आए, क्या हुआ? तू अभी तक जमीन क्यों चाट रहा है? हाँ, ये तो गया। ये पुष्पा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? भाई पुष्पा ने इसको मार दिया। कौन पुष्पा? पुष्पा कौन है? वो शैतान जो चोरियां करता है, गुनाह करता है। चलो चलो इसकी खैर नहीं। चलो चलो चलो। ओह नो, पुष्पा हाँ तेरी खैर नहीं, ये जालिम लोग हैं। बहुत फिल्में देख ली तूने। वो रहा, वो छुपा दे। चलो चलो। पुष्पा निकालता है।